इस बीच बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा जम्मू कश्मीर का टारगेट किलिंग। याचिका दायर कर खुद संज्ञान लेने की मांग की गई। वकील विनीत जिंदल ने सुप्रीम कोर्ट में पत्र याचिका दाखिल की है। याचिका में कश्मीर में हिंदू अल्पसंख्यकों को तत्काल सुरक्षा मुहैया कराने का निर्देश देने की मांग की गई है। इसके साथ ही हिंदुओं की टारगेट किलिंग की राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी से जांच कराने की मांग की गई है। इसके अलावा पीड़ित परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा और परिवार के 1 सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग की गई है। तो वहीं पत्र याचिका में कहा गया है कि मई के महीने में कश्मीर में 7 हिंदुओं की टारगेट किलिंग हुई है। 31 मई को कुलगाम में स्कूल में हिंदू अध्यापिका की हत्या भी की गई। कश्मीरी नागरिकों और पुलिस के 3 जवानों की भी हत्या की गई। गौरव श्रीवास्तव हमें और जानकारी देंगे इस याचिका से मुतालिक। गौरव, बिंदुवार बताइए जरा इस याचिका में क्या कुछ चीजें शामिल है, क्या मांग है? देखिए, बिल्कुल, याचिका जो है वो सामाजिक कार्यकर्ता और वकील विनीत जिंदल द्वारा डाली गई है। और याचिका में ये याद दिलाने की कोशिश की गई है कि जिस तरह की घटनाएं लगातार कश्मीरी पंडितों और नागरिकों के किलिंग की, टारगेट किलिंग की हो रही है, वो सन 1990 और के दशक की याद दिलाती है जब धरती पलायन शुरू हुआ था और इसी तरह से कश्मीरी पंडितों की हत्या शुरू हुई थी। उन्हें टारगेट किया गया था और बाकायदा एक माहौल क्रिएट किया गया था जब अपना घर बार छोड़कर सब कुछ कश्मीरी पंडितों को कश्मीर की घाटी से अपने घर बार को छोड़कर पलायन करना पड़ा था। और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस के सामने पत्र याचिका दाखिल करके ये मांग की गई है कि इस मामले में NIA की तरफ से जांच की जाए और साथ ही साथ जितने भी हिंदू अल्पसंख्यक हैं उनको सुरक्षा दी जाए ताकि उस तरह का माहौल, 90 के दशक का माहौल जो है वो दोबारा से ना तैयार हो। देखना होगा कि इस जो ये पत्र याचिका लिखी गई है इसको सुप्रीम कोर्ट कब संज्ञान लेता है, लेकिन फिलहाल ये याचिका जो है चीफ जस्टिस के पास भेजी गई है। और जिस तरीके से अभी देखिए, गौरव, मैं आपके पास वापस आ रही हूँ। विनीत जिंदल साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, याचिकाकर्ता हैं। विनीत जी, स्वागत है आपका। विनीत जी, आपने याचिका दाखिल की है, आप मान रहे हैं कि ये समय की मांग है, हालात वाकई खराब हो रहे हैं घाटी में? बिल्कुल, देखिए आप अगर देखेंगे जब से धारा 370 का अबोलिशन हुआ है तब से जो भी लोग जो हिंदू वहां से पलायन किया था उन्होंने उनके लिए स्पेशल पैकेज के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनको वहां नौकरी दिया, लेकिन कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजी जो सिक्योरिटी को लेकर होनी चाहिए थी, जो बहुत बड़ा कंसर्न था शुरू से ही, उसको लेकर कहीं ना कहीं चूक देखने को मिल रही है, जो बहुत बड़ा इशू है इस समय। और बिल्कुल 370 के अबोलिशन के बाद लगातार किलिंग्स हो रही है, चाहे हम बात करें केमिस्ट जो थे गंजू साहब उनकी हत्या की गई, उसके बाद भट्ट की जो कि एक क्लर्क थे और गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर घुस के उनको मारा गया। और मजे की बात यह है कि जस्ट 100 मीटर की दूरी पे वहां से पुलिस स्टेशन था, उसके बावजूद किस तरीके से टारगेट किलिंग हिंदुओं की जा रही है, माइनोरिटीज को वहां पे निशाना बनाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं एक सोची समझी साजिश है इसके पीछे, जिससे वही वाला जो 1989 और 1990 वाला जो दशक था जिसके अंदर कश्मीरी पंडित कश्मीर से पलायन किया था, आप देखना होगा इसमें क्या कुछ सुनवाई होती है। विनीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए।